नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुदत्त आईबीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हरियाणा के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हरियाणा का नवंबर मंथ का जो करंट अफेयर है वो जानेंगे हम, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं धीरे, नेक्स्ट जनवरी से शायद स्टार्ट हो जाएंगे पेपर्स। तो हरियाणा करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों को हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट यानी पहली वीडियो ये करंट अफेयर की है, आगे भी बहुत सारी वीडियोज आएंगी। और थोड़े दिन बाद हम लोग एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं, हरियाणा का जो नया लेटेस्ट पैटर्न है उस पैटर्न पर बेस्ड ये टेस्ट सीरीज होगी। और जो भी इसके बारे में जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, और क्या 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 हम उसमें प्रोवाइड करेंगे, कैसी फैसिलिटी, कैसा सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलो तो अभी हम हरियाणा करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं। आपको पता होगा अभी 2019 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं, और एक बहुमत की सरकार की बजाय एक कॉम्बिनेशन बना है हरियाणा में जसपा और बीजेपी का। और जो मुख्यमंत्री बने हैं हमारे फिर से मनोहर लाल खट्टर साहब, और डिप्टी सीएम फिर दुष्यंत चौटाला जी। तो उसी में हरियाणा विधानसभा के जो नए स्पीकर हैं वो कौन बने हैं। तो हरियाणा विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं ज्ञानचंद गुप्ता, ज्ञानचंद गुप्ता। ये पंचकुला से दूसरी बार जीत करके आए हैं, पंचकुला से दूसरी बार विधायक बने हैं। तो ध्यान रखिए, इनको हरियाणा विधानसभा का नया स्पीकर बनाया गया है, ठीक है। तो ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे हरियाणा विधानसभा के नए स्पीकर हैं, और ये पंचकुला से दूसरी बार चुन करके आए हैं। हरियाणा ने 1 नवंबर 2019 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो हरियाणा जो है अपना स्थापना दिवस आप सबको पता होगा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर के देश के 17वें राज्य के रूप में लोगों की चर्चा में आया था। और इस बार जो हरियाणा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है वो 54वां स्थापना दिवस मनाया है, 54th। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रत्नावली समारोह 2019 का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो रत्नावली जो ये समारोह है ये कल्चरल फेस्टिवल है पूरा का पूरा, और ये कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में मनाया जाता है हर बार, KU के कुरुक्षेत्रा विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्रा में। तो इस बार जो एक रत्नावली फेस्टिवल मनाया गया ये 2 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर तक मनाया गया, ठीक है। 2 नवंबर 2019 से 5 नवंबर 2019 तक। और इस बार इसमें विदेशी कलाकारों ने भी हिस्सा लिया था, रसिया जैसे डांस में। तो ध्यान रखिएगा, रत्नावली फेस्टिवल का आयोजन इस बार हर साल 1 नवंबर से पहले होता है, लेकिन इस बार 2 नवंबर से 5 नवंबर तक ये फेस्टिवल का आयोजन हुआ। हरियाणा विधानसभा 2019 में सबसे बुजुर्ग विधायक कौन से हैं। तो हरियाणा विधानसभा 2019 में सबसे बुजुर्ग जो विधायक है वो रघुबीर सिंह कादियान है, रघुबीर सिंह कादियान, ठीक है। ध्यान रखिए, ये कांग्रेस से विधायक बने हैं, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बेरी जज्जर है। किस कस्बे से आते हैं ये, बेरी जज्जर। बेरी जज्जर से आपको ध्यान होगा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध भी बेरी जज्जर से ही था। तो रघुवीर कादियान जी कांग्रेस से और बेरी जज्जर से ये आते हैं, और ये हरियाणा विधानसभा के सबसे बुजुर्ग विधायक हैं इस बार के, और छठी बार ये हरियाणा विधानसभा में पहुंचे हैं, छठी बार चुनाव जीत करके आए हैं, और इनको प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया इस बार, ठीक है। रघुवीर कादियान जी को क्या बना गया, प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, एक प्रोटेम स्पीकर होता है जिसके सामने विधायक वगैरह ये सारे जो शपथ लेते हैं विधानसभा के अंदर, उन्हीं को प्रोटेम, ये सभी विधायकों वगैरह को शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो रघुवीर कादियान जी हरियाणा विधानसभा के इस बार के सबसे बुजुर्ग विधायक है, कांग्रेस से जीत करके आए, बेरी जज्जर से, और छठी बार ये विधानसभा पहुंचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा विधानसभा 2019 में सबसे युवा विधायक कौन है। तो हरियाणा विधानसभा 2019 में इस बार सबसे जो युवा विधायक हैं वो श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी हैं,
ये अजय चौटाला के पुत्र हैं और पूर्व चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला जी के पोते हैं दुष्यंत चौटाला। तो ये मात्र 31 वर्ष की आयु में ही विधानसभा पहुंचे हैं, तो आज तक के ही हरियाणा के सबसे युवा यानी इस बार के सबसे युवा विधायक हैं। और ये उचाणा कलां से जीत करके आए हैं और वहां उन्होंने एक बहुत ही कदवादार लीडर वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता जी को हराया। तो ये उचाणा कलां से जीत करके आए हैं। इससे पहले ये इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये 3 अप्रैल 1988 को पैदा हुए और ये 25 वर्ष की आयु में 25.5 या 26 वर्ष की आयु में ही भारत के संसद में पहुंचने वाले सबसे युवा सांसद भी हैं। ठीक है, सबसे युवा सांसद बने थे ये 2014 में जब ये जीत करके पहुंचे थे कहां भारतीय संसद में, तो तब ये सबसे देश के सबसे युवा सांसद थे। और अभी ये दुष्यंत चौटाला जी 31 वर्ष की आयु में इस विधानसभा के सबसे युवा विधायक हैं और हरियाणा के डिप्टी सीएम भी हैं। ठीक है, क्या है हरियाणा के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछे हरियाणा का इस वक्त उप मुख्यमंत्री कौन है तो ये उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने थे, पहले उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, मुख्यमंत्री तो सबको पता होगा, तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे हरियाणा के, पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, चांदराम। ठीक है, ये हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री थे। और दुष्यंत चौटाला साहब हरियाणा के छठवें नंबर के उप डिप्टी सीएम बने हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो इनसे दो चार क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले तो 2019 हरियाणा विधानसभा में सबसे युवा जो विधायक है वो कौन है, तो वो दुष्यंत चौटाला है जो 31 वर्ष की आयु में उचाणा कलां से अपनी पार्टी, जिनकी जो पार्टी है वो जेजेपी है, जननायक जनता पार्टी, चाबी का निशान था इनका, जननायक जनता पार्टी जो पिछले साल ही बनी थी 2018 में, और एक ही साल में थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करके मजबूती के साथ और इनका अभी एक बीजेपी के साथ समर्थन करके सरकार बनी है और उसमें इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और ये पैदा हुए थे 3 अप्रैल 1988 को और 26 साल की उम्र में सबसे युवा सांसद भी थे जब ये 2014 में हिसार लोकसभा से चुन करके कहाँ पहुंचे थे, पार्लियामेंट में, तब ये हिसार से सांसद थे और अब ये उचाणा कलां से विधायक है। और दूसरा आप ध्यान रखिए, पहले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हरियाणा के कौन थे, चांदराम, और ये 6वें नंबर के उप मुख्यमंत्री है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय कबड्डी टीम के नए कोच कौन बने हैं, तो भारतीय कबड्डी टीम के जो कोच बने हैं वो आसन कुमार बने हैं। कौन बने, आसन कुमार। इनका संबंध हरियाणा से है, ये हरियाणा के भिवानी जिले के बहरा गांव के रहने वाले हैं। कहां से हैं, भिवानी के जिले का बहरा गांव, बहरा गांव। तो ये हरियाणा कबड्डी सॉरी भारतीय कबड्डी टीम के नए कोच बने हैं आसन कुमार। संबंध कहां से रखते हैं, हरियाणा के भिवानी से, और बहरा गांव है इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने वाला देश का पहला संयंत्र लगाया जा रहा है, तो हरियाणा में पराली से बायोगैस बनाने वाला जो देश का पहला संयंत्र है वो कहाँ लगाया जा रहा है, वो करनाल में लगाया जा रहा है। हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा भी कहते हैं किसको, करनाल को। और उम्मीद है कि ये 2022 तक बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस शास्त्रीय गायक के नाम पर सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे से ग्रह का नाम रखा गया है, तो ये जो नाम रखा गया है ये पंडित जसराज जी हैं, जसराज। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है, हिसार से। इनका जन्म हुआ 28 जनवरी 1930 को, 28 जनवरी 1930 को पैदा हुए ये। ठीक है, और ये जो संबंध रखते हैं ये मेवात घराने से संबंध रखते हैं। शास्त्रीय संगीत में भी अगर पूछा जाए कि ये किस घराने से हैं तो ये मेवात घराने से हैं। ठीक है,
बहुत बार पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज जी का संबंध कहाँ से है, तो उनका संबंध हिसार से है और इनका जन्म कब हुआ, 28 जनवरी 1930 को, और ये किस घराने से संबंध रखते हैं, तो मेवात घराने से संबंध रखते हैं। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे से ग्रह का नाम रखा गया है, तो एक जो ग्रह है उस ग्रह का नाम मूर्धन्य है, मूर्धन्य ग्रह के नाम पर इनका नाम रखा गया है, मूर्धन्य ग्रह, ठीक है। तो ध्यान रखिए पंडित जसराज जी का नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर ने किस जिला अस्पताल को बेस्ट कायाकल्प अवार्ड के तहत 50 लाख रुपए का इनाम दिया है, तो ये इनाम दिया गया है किसको, सोनीपत को। टोटल 11 जिलों को रखा गया था, उनमें जो सबसे बेहतरीन था उनमें से अवार्ड दिया गया, ये 1 से लेकर 10 लाख तक के इनाम दिए गए हैं, तो ये सोनीपत को इनाम दिया गया सेंटर ने, तो बेस्ट कायाकल्प अवार्ड, ये 50 लाख रुपए तक का इनाम दिया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, HAU के किस क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र को गन्ना अनुसंधान में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ योगदान पुरस्कार मिला है, तो ये जो पुरस्कार मिला है ये HAU की एक शाखा ही है, उच्चाणी, कौन सी है, उच्चाणी, ये आपका करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उच्चाणी कहाँ पड़ता है, करनाल डिस्ट्रिक्ट में, तो इनको लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ योगदान पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कहां पर प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक बैग से विश्व का सबसे बड़ा स्कल्पचर कछुए के रूप में बनाया गया है, तो ये कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर तट पर बनाया गया है, कहां बनाया गया है, ब्रह्म सरोवर तट, ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर बनाया गया है, और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का पहला कहां बनाया गया था, तो वो सिंगापुर में बनाया गया था, ठीक है, और हरियाणा में कहां बनाया गया, ब्रह्म सरोवर तट कुरुक्षेत्र के अंदर। अगला सवाल है, कौन T20 अंतरराष्ट्रीय 6 मैचों में 250 बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, तो ये भारतीय खिलाड़ी जो बनी है ये शेफाली वर्मा है, कौन बनी है, शेफाली वर्मा, और इनका संबंध हरियाणा के रोहतक से है, शेफाली वर्मा कहां की रहने वाली है, हरियाणा के रोहतक की, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के दूसरे हरखादी स्टोर का आरंभ किस जिले में किया गया है, तो हरियाणा में जो दूसरा खादी हरखादी स्टोर है इसका आरंभ 7 नवंबर 2019 को, 7th नवंबर 2019 को जज्जर में किया गया, ठीक है, कहां किया गया, जज्जर में, ठीक है, ये दूसरा स्टोर है, और आपको ध्यान रखना है जो पहला स्टोर है वो आपका कहाँ खोला गया था, पंचकुला के अंदर, ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की जो चेयरमैन है, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की जो चेयरमैन है वो कौन है, गार्गी कक्कड़, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 7 नवंबर 2019 को हरखादी स्टोर का जो दूसरा हरखादी स्टोर है वो जज्जर में खोला गया, और पहला कहां खोला गया था, पंचकुला में, और हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की जो चेयरमैन है वो कौन है, गार्गी कक्कड़। चलिए अगले सवाल की तरफ, कपाल मोचन मेले का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है, तो कपाल मोचन मेले का जो आयोजन किया जाता है वो कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, और ये कपाल मोचन मेला अगर पूछा जाए किस जिले में लगता है, तो यमुनानगर जिले में, यमुना नगर, ठीक है, और आयोजन किया जाता है किस मौके पर, कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर। चलिए अगला सवाल, हरियाणा के किन दो जेवलिन थ्रोअर ने भारत को पैरालंपिक के लिए कोटा दिलाया है,
तो वो दो जेवलिन है, एक संदीप चौधरी रो रहे हैं, संदीप चौधरी और सुमित अंतिल, सुमित अंतिल ये सोनीपत से हैं हरियाणा के। तो ध्यान रखिए इन्होंने पैरालंपिक में हरियाणा को जेवलिन थ्रोअर में कोटा दिलाया है। तो हमारा अगला सवाल है, हरियाणा के किस जिले के आर्मी मैन भूपेंद्र गणगस ने साउथ कोरिया में आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये जो गणगस साहब है ये आपके भिवानी जिले से हैं। कहाँ से हैं? भिवानी। ठीक है, तो ध्यान रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले के फरीदपुर गांव में रेत खुदाई के दौरान हजारों वर्ष पुराने शिवलिंग व नंदी की मूर्तियां मिली है? तो ये मिली है आपकी करनाल में। जो फरीदपुर गांव है आपका वो किस में आता है? करनाल में आता है। और इसमें खास बात ये है कि जो मूर्ति मिली है वो राजपूत कला का उदाहरण है। और जो ईंट मिली है वहां वो आपका कुषाण काल की मानी जा रही है। ठीक है, जो मूर्ति है वो किसकी मानी जा रही है? वो आपका राजपूत काल की मानी जा रही है। और जो ईंट है वो आपकी कुषाण काल की मानी जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पुरातत्व विभाग के अनुसार है पूरा का पूरा। पुरातत्व विभाग के अनुसार करनाल के फरीदपुर गांव में जो मूर्ति मिली है वो राजपूत काल के टाइम की है और जो ईंट मिली है वो कुषाण काल के वक्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीजेयू में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा विश्वविद्यालय चैंपियन बना है? तो जो नंबर एक पोजिशन जिस विश्वविद्यालय ने हासिल किया है वो MDU है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, MDU रोहतक। और जो दूसरे नंबर की टीम बनी है वो कुरुक्षेत्रा विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्रा, KUK। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रा स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय होगा? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है हरियाणा में, एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसको शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो एक ही हरियाणा में, कहाँ? जंतपाड़ी महेंद्रगढ़ के अंदर, जंतपाड़ी गांव, जिला महेंद्रगढ़। केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक टेस्ट इवेंट में भिवानी की किस बॉक्सर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ओलंपिक टेस्ट इवेंट, पहली बात तो ध्यान रखिए जो ओलंपिक टेस्ट इवेंट है ये हुआ कहाँ था? तो ये टोक्यो में हुआ था। कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में, टोक्यो जापान में हुआ था। और हरियाणा की भिवानी की पूजा रानी ने वहाँ क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखिए ये पूजा रानी 3 टाइम्स एशियन चैंपियन भी है, 3 टाइम एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी है। कौन? पूजा रानी। और ओलंपिक टेस्ट इवेंट कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हरियाणवी पहलवान ने पहलवानी छोड़कर मिक्स मार्शल आर्ट में अपनी पहली ही फाइट में जीत हासिल की? तो किसने जीत हासिल की? रितु फोगाट। फोगाट सिस्टर्स दंगल मूवी सबने देखी होगी, या हरियाणा में तो चर्चित है। इनकी बहन बबीता फोगाट ने अभी चुनाव भी लड़ा था और वो हार गई थी, तो मिक्स मार्शल आर्ट में। ठीक है, तो ये इन्होंने पहलवानी छोड़ के, वेट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम थी कि उस वेट कैटेगरी में ये जीत नहीं पा रही थी और थोड़ी समस्या आ रही थी, तो उन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट में एंट्री मारी और वहाँ पहली ही फाइट में अपनी जीत हासिल की और उन्होंने कोरिया की किम नेम ही को हराया। किसको हराया? कोरिया की किम नेम ही। ठीक है, कहाँ की है ये? कोरिया की।
ठीक है। और रितु फोगाट का संबंध कहाँ से? हरियाणा के बलाली गांव से। बलाली गांव कहाँ पड़ता है ये? चरखी दादरी। चरखी दादरी से चुनाव भी लड़ा था इनकी बहन ने, ठीक है, बबीता फोगाट, जिनकी शादी भी हो चुकी है अभी, बबीता फोगाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता द वॉकिंग ट्री में किस हरियाणवी बच्ची की पेंटिंग को पहला स्थान मिला है? तो दिव्यांशी सिंगल है, दिव्यांशी सिंगल, ये बच्ची 7 साल की है मात्र, और इनको जो गूगल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता द वॉकिंग ट्री में पहला स्थान मिला है, और ये गुरुग्राम से संबंध रखती है, ठीक है। अभी चिल्ड्रंस डे के मौके पे, कौन से मौके पे? चिल्ड्रंस डे के मौके पर गूगल ने जो अपना डूडल होता है, जहाँ आप कुछ भी टाइप करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो उस डूडल में भी इनकी पेंटिंग को जगह दी थी, ठीक है। चलिए, हरियाणा के किस घुड़सवार ने दिल्ली में आयोजित विश्व घुड़सवारी प्रतियोगिता चैंपियनशिप में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो श्वेता हुड्डा, ठीक है, ये हरियाणा के भूतपूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहू है, यानी उनके लड़के दीपेंद्र हुड्डा की वाइफ है, तो इन्होंने घुड़सवारी में प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की किस रिफाइनरी ने विंटर ग्रेड डीजल विकसित किया है? तो हरियाणा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो पानीपत रिफाइनरी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पानीपत रिफाइनरी ने, पानीपत रिफाइनरी ने विंटर ग्रेड डीजल विकसित किया है। ये विंटर ग्रेड डीजल क्या होता है? ये विंटर ग्रेड डीजल -33 डिग्री टेम्परेचर तक भी नहीं जमता, तो ये लद्दाख जैसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ डीजल वगैरह जम जाता है और व्हीकल्स चलाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो ये ऐसी जगह पर बहुत कामयाब होगा, ठीक है। तो ये कहाँ विकसित किया गया? पानीपत रिफाइनरी में। हरियाणा राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2019 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो किस जिले में किया गया? गुरुग्राम में, ठीक है। कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। तो आज की हमारी ये करंट अफेयर की, नवंबर मंथ के बहुत सारे करंट अफेयर हमने डिस्कस किए, और उसका ये पहला पार्ट था, ये कंप्लीट नहीं है, तो बहुत जल्दी हम लोग दूसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे, और उससे आगे जितने भी होगा तो पूरा करंट अफेयर हम लोग बनाने वाले हैं। तो आप पहले से पढ़िए, फिर और वीडियो का इंतजार करिए जो बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाले। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।